अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हकला डेर इस्माइल ख़ान सी पैक की आज इस्लामाबाद वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली तकरीब की मुकम्मल तफसीर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज हकला डेर इस्माइल ख़ान मोटरवे का इस्लामाबाद में मुनक़िदा तकरीब में बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। नाज़रीन, जिस तरह सी पैक के इफ्तिताह की खबर सबसे पहले पुकार तलागंग ने अपने यूट्यूब चैनल पर चाहने वाले मौजूद सब्सक्राइबर तक पहुँचाई और आपसे वादा किया था कि इफ्तिताही तकरीब की मुकम्मल तफसील लेकर हाजिर होंगे, तो नाज़रीन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने हकला डी आई खान सी पैक के हवाले से एक अहम बात उजागर की। साथ आपको सी पैक वेस्टर्न रूट M14 पर मुकम्मल इंटरचेंजेस और फ्लाई ओवर्स के हवाले से भी मालूमात फराहम करेंगे। इससे कबल अगर आप हमारे YouTube चैनल पर अभी नए हैं या अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल पुकार तलागंग को अभी सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, आज वजीर आजम हाउस इस्लामाबाद में हकला डेरा इस्माइल खान मोटरवे का अफ्तताह वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने तख्ती की नकाब कोशाई से बाकायदा कर दिया। ये मंसूबा पाक चीन इक्तिसादी राहदारी सी पैक के वेस्टर्न रूट का अहम जुज़ है। 293 किलोमीटर तवील मोटरवे पर 11 इंटरचेंजेस, 36 पुल, 33 फ्लाई ओवर्स और 19 अंडर पासेस तामीर किए गए हैं। वजीर आजम ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि इस गेम चेंजर मंसूबे की सबसे बड़ी कामयाबी इन इलाकों को मिलाना है जो तरक्की में पीछे रह गए हैं। सी पैक M14 की इफ्तिताही तकरीब से कबल मोटरवे पुलिस ने हकला डी आई खान मोटरवे पर फ्लैग मार्च भी किया। नाजरीन, आने वाले दिनों में हकला इस्लामाबाद से डी आई खान तक मुकम्मल मोटरवे की मालूमती वीडियो अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे इस रूट पर तामीर होने वाले सर्विस एरियाज के बारे में, तो हमारे साथ रहें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे।